देखा। वाह व्हाट अ क्लच यार, व्हाट अ रिफ्लेक्स। Hey guys, this is KU Exotic Gaming. Welcome back to a new video. So guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। इफ आप लोग ये सारी मिस्टेक्स करते हो देन आप लोगों की गेम प्ले ना वो कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। एंड अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो बट फिर भी आप लोगों की गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो पा रही है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग TDM काफ़ी ज़्यादा खेलते हो बट फिर भी आप लोग TDM पे ही इंप्रूव नहीं हो पा रहे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की सारी डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्यों आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है एंड आप लोग क्यों इंप्रूव नहीं हो पा रहे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड गाइस, काफ़ी सारे बंदे ना वीडियो देखते बट लाइक नहीं करते, तो भाई आप लोग लाइक ज़रूर से कर देना इफ़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, हमारी जो ये मिस्टेक नंबर वन है ये काफ़ी कॉमन मिस्टेक है एंड ये काफ़ी सारे बंदे करते हैं। देखो, जब कभी भी आप लोग TDM खेलते हैं ना तो TDM आप लोग किल्स के लिए मत खेलो। मीन्स काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं ना भाई, TDM में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे किल करना है, बस यही सोचकर वो TDM खेलते हैं। एंड कुछ बंदे तो फन के लिए TDM खेलते हैं। तो देखो, जो फन के लिए खेलते हैं मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ, जो जेन्युइनली अपनी गेम प्ले इंप्रूव करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग TDM खेलो तो आप लोग अपनी इंप्रूवमेंट के लिए खेलो। मीन्स आप लोगों को क्या चीज़ पे प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग उस चीज़ को इंप्रूव करने के लिए आप लोग नॉर्मल TDM खेलो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ओपोनेंट की TPP ब्रेक करने की ट्राई करो। जब कभी भी आप लोग नॉर्मल TDM खेलते तो इस पे आप लोगों को काफ़ी सारे कैंपर देखने को मिल जाते जो TPP वगैरह लेकर बैठे रहते, तो आप लोग उनकी TPP ब्रेक करने की ट्राई करो। जहाँ पे भी बंदे TPP लेकर वेट कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोग वहाँ पे ओपन से जाकर बंदे को मारने की ट्राई करो। आप लोग 5 बार पिटोगे, 6 बार पिटोगे बट जब आप लोग उस बंदे को मार दोगे तो उस टाइम भी आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होने वाली है ना, इससे आप लोगों को अपनी गेम प्ले और भी ज्यादा बेटर करने में हेल्प मिलेगी। तो गाइस, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप लोगों को कुछ और प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उस चीज को इम्प्रूव करने की ट्राई करो, ना कि ज्यादा किल करके MVP लेकर शो ऑफ करने की जरूरत है। तो गाइस, अगर आप लोग दिवाली या किसी भी फेस्टिवल के लिए कपड़े परचेज करने की सोच रहे हो तो आप लोग एक बार ये वाली व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट जरूर से चेकआउट कर लेना। ये एक ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर है एंड यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी वराइटीज ऑफ क्लोथ भी मिल जाएंगे, लाइक शर्ट, टी शर्ट, जींस, ट्रैक सूट एक्सेट्रा। एंड इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, वो भी आप लोगों को रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है। एंड पैन इंडिया डिलीवरी आप लोगों को मिल जाएगी, डिलीवरी की कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी आप लोगों को नहीं पेड करना पड़ेगा। एंड गाइस, अगर आप लोग परचेज के टाइम पे हमारा कोड यूज करते हो Exotic50 तो आप लोगों को ₹50 का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग एक बार इनके बिजनेस अकाउंट जरूर से एक्सप्लोर करके देखना, मैंने इनका नंबर डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइस, हमारी जो सेकंड मिस्टेक है ये भी काफ़ी सारे बंदे करते हैं। जब आप लोग नॉर्मल TDM खेलते हो तो वहाँ पे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेडशॉट वगैरह कनेक्ट होते हैं एंड आप लोगों का एम भी काफ़ी मैग्नेटिक वगैरह रहता है, बंदे पे डायरेक्टली चिपकता है। और जब आप लोग 1v1 TDM खेलते हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों का हेडशॉट कनेक्ट नहीं हो पाता एंड आप लोगों का इवन एम भी प्रॉपरली नहीं लग पाता। तो आप में से काफ़ी सारे बंदे को ये वाली प्रॉब्लम तो ज़रूर होती होगी। तो ऐसा क्यों होता है उसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप लोग नॉर्मल TDM खेलते हो एंड अगर आप लोगों की एम असिस्ट ऑन होती है तो वहाँ पे आप लोगों का एम असिस्ट प्रॉपरली वर्क करता है, बट जब आप लोग 1v1 TDM खेलते हो या फिर कस्टम रूम खेलते हो एंड वहाँ पे आप लोगों का अगर एम असिस्ट ऑन भी होगा ना, तब भी आप लोगों का एम असिस्ट वर्क नहीं करने वाला है। तो अभी आप लोग सोचते होगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को मैं ये प्रूफ करके ऑलरेडी एक वीडियो पे दिखा चुका हूँ, तो आप लोग वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना, आई बटन पे मैंने वीडियो की लिंक दे रखी है। तो इसी रीजन की वजह से आप लोगों का नॉर्मल TDM में ज्यादा हेडशॉट कनेक्ट होता है एंड 1v1 TDM पे बिल्कुल भी हेडशॉट नहीं कनेक्ट होता है। इसलिए जब आप लोग नॉर्मल TDM खेलते हो ना तो अपनी एम असिस्ट को ऑफ रखकर खेला करो, इससे आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आप लोगों को 1v1 TDM पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अभी आप लोगों के मन में एक डाउट होगा, चलो जिनका एम असिस्ट ऑन रहता है उन्हें ये प्रॉब्लम होती होगी बट हमारा तो एम असिस्ट ऑफ रहता है, तो हमें क्यों ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो देखो, इसकी रीज़न भी मैंने एक वीडियो पे एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप लोग आई बटन पे वो वीडियो आती होगी, आप लोग वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। तो गाइस, हमारी जो मिस्टेक नंबर 3 है ना, ये भी काफ़ी कॉमन मिस्टेक है एंड आई गेस आप लोग भी ये वाली मिस्टेक जरूर करते होंगे। तो देखो, जब आप लोग नॉर्मल TDM खेलते हो ना तो वहाँ पे आप लोग कोई भी SMG गन यूज़ मत करना, बिकॉज SMG गन जो होती है ना उसकी जो बुलेट स्पीड होती है ना वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू AR गन, जिसके वजह से आप लोग काफ़ी ईजिली बंदे को हिप फायर में मार देते हो। बट जब आप लोग वही AR लेकर खेलते हो ना तो आप लोगों की हिप फायर में बुलेट वगैरह कनेक्ट ही नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग जब नॉर्मल TDM खेलते हो तो वहाँ पे आप लोग बैरल M762 या फिर AKM लेकर खेलो, इससे आप लोगों की जो हिप फायर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी एंड आप लोगों को अपनी एम में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड गाइस, अब हम बात करने वाले लेजेंड बॉट के बारे में, जो TDM पे या तो ग्रोथ है या फिर M10 शॉट
शॉटगन लेकर खेलते रहते हैं। तो देखो उन सारे बंदे की ना गेम प्ले कभी भी इम्प्रूव नहीं होने वाली है, इसलिए आप लोग उन सारे बंदे को देखकर उनके तरह आप लोग शॉटगन या फिर ग्रोसा लेकर खेलना मत स्टार्ट कर देना। वो जैसे खेलते हैं आप लोग उन्हें वैसे ही खेलने दो। आप लोग गेम पे आए हो इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप लोग अपनी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करना। एंड वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर अच्छा नहीं भी लगता तब भी कमेंट करना, इससे मुझे अपनी कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी।